जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है RBSH की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं RBSH की आवाज। हम हाजिर हैं आज की खबरों के साथ। युवा ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण समाज द्वारा नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहर से बाहर एक निजी ढाबे पर आयोजित किया गया, जिसमें युवा प्रबंध कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के साथ वरिष्ठ जन भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में स्वरुचि भोज भी रखा गया। सभी युवा कार्यकारिणी के सदस्यों ने सबसे पहले अपना परिचय दिया, उसके बाद साथ में मिलकर भोजन का आनंद लिया। बीच में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई और आगामी कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भगवत भट्ट थे। कार्यक्रम में वरिष्ठ रामलखन शर्मा के साथ अजय दुबे आदि लोग भी मौजूद थे। बोले सरस्वती मैया की जय, बलराम भगवान की जय, आज के आनंद की जय। अभी नहीं, और पार्टी देने वाली। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि भगवत भट्ट ने केक काटा और फिर सभी युवाओं ने उन्हें केक खिलाया। इसके साथ नववर्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। आज युवा कार्यक्रम में और ब्राह्मण समाज की जय है, जय है। और नए साल का केक काटेंगे हमारे दादा। ये न्यू ईयर की पार्टी है और नववर्ष में हमारे साथ में पूरी युवा ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण की टीम आज इस सेलिब्रेशन को पूरा करने जा रही है। हमारे मुख्य संरक्षक डॉक्टर भगवत भट्ट जी हमारे आज के मुख्य अतिथि भी हैं, हमारे मुख्य संरक्षक भी हैं और हमारे सबसे सीनियर सिटीजन भी हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वह ठीक कार्य करके और नवर्ष का आदर्श करें। चला ला के खिला दो दादाजी। सुमन चालू कर तो दोबारा बनाइए। ये उपाध्याय जी है, यह है सबसे ज्यादा कुछ नहीं चार युवा कार्यकारिणी के सदस्यों और वरिष्ठ जनों से हमने इस अवसर पर बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं इस समय ग्वालियर से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर एक ढाबे पर बैठा हुआ हूं, जहां पर युवा ब्राह्मण समाज के बैनर तले एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग का आयोजन हालांकि नब्बर्स के उपलब्ध में किया गया है। मेरे पास साथ में बैठे हुए हैं विवेक शर्मा जी, मेरे पास बैठे हुए हैं गिरिराज शर्मा जी, उमेश शर्मा जी और यहाँ पर विकास शर्मा जी भी हैं। पूरी युवा ब्रह्मट समाज की जो टीम है वो यहाँ पर एकत्रित है और मेरे साथ में है भगवत शर्मा जी जो कि सबसे सीनियर है और इस युवा टीम के अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। आइए इस अवसर पर हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि नव वर्ष भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति दोनों में आज जो उत्साह ज्यादा हम देखते हैं वो विदेशी संस्कृति में देखते हैं। आखिर क्यों हमारी भारतीय संस्कृति वाला नववर्ष पीछे होता जा रहा है और भारतीय संस्कृति पर अंग्रेजी संस्कृति वाला नववर्ष हावी होता जा रहा है? इसके लिए हमारे युवा वर्ग को कोशिश करनी है कि हम अपनी चैत्र प्रतिपदा को भी मनाया करें। ये तो जो है चलन है क्योंकि पूरे विश्व में ये अंग्रेजी कैलेंडर चालू है, लेकिन हमें अपना ही मानना, विक्रम संवत मानना है और क्षेत्र प्रतिपदा के अनुसार ही अपनी नववर्ष मनाना। अच्छा मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे पत्रकारों के द्वारा नववर्ष के पहले दिन हमने क्या किया कि ग्वालियर के पत्रकार के प्रेस क्लब में सुंदरकांड का पाठ किया। एक अनुसरणीय उदाहरण था कि हम विदेशी संस्कृति को भी अपनी संस्कृति से मात दे सकते हैं, यानी कि हमने सुंदरकांड से नववर्ष की शुरुआत की। ठीक है, तो इस तरीके से आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवाओं को अपने नववर्ष की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? हमारे युवा छोटी लाइन न खींचती है, बड़ी लाइन खींचे और वह आगे जो है नववर्ष का वो ही मनाया, हमको नहीं चाहते मनाया। अच्छा अच्छा, आज जो युवा कार्यकारिणी की यहाँ पर एक बैठक रखी गई है, इस बैठक का मूल उद्देश्य क्या था? मतलब नववर्ष तो एक बहाना लग रहा है मुझे, मेन उद्देश्य इसका क्या है? अपने संगठन में अपनी पहचान कायम करने के लिए सब तनवा घंटे लगे हैं। अच्छा, आगे की कार्यक्रम के लिए तैयारी जिस तरीके से युवा वर्ग मैं पिछले काफी समय से फॉलो कर रहा हूं और युवा कार्यकारिणी के द्वारा जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े से बड़े कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा रहा है, इन युवाओं की कितनी मेहनत कितनी लगन आप देख रहे हैं इसमें? ये हमारे युवा सब तन मन ढंग से लगे हुए एकाग्र होकर कार्य कर रहे, हमें बड़ी खुशी होती है इनके कार्य में भाग लेने। आप अकेले बुजुर्ग मुझे इस पूरी युवा टीम में नजर आ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? मतलब और आपके साथी बुजुर्ग जो हैं, आप तो समाज के अंदर काफी लंबे समय से काम कर रहे होंगे, तो आप अपने और साथियों को इसमें क्यों नहीं जोड़ते? आप भी आइए। हम वर्षों से देख रहे हैं कि कई संगठन बने, कई बार संगठन बने, कई पदाधिकारी बने, अपने अपने कार्य में वो आगे नहीं बढ़ सके, उन्होंने हमें उत्साह अच्छा दिखाई दिया, इसलिए हम इनके साथ। जैसा कि आपने कहा कि आपको इनमें उत्साह दिखा, तो मेरा कहना वही है कि और जो समाज के लोग हैं उन्हें उत्साह नजर नहीं आ रहा क्या? उन्हें भी दिख रहा है कि ये कितना काम कर रहे हैं, इनके साथ मुझे आगे चलना। वो लोग जो है प्रिजुडिस हैं, कुछ न कुछ ऐसे हैं पश्चात से जुड़े हुए हैं और सीमित दायरा है, अगर वो चाहें तो सामने जिसको मना कौन कर रहा है, आए हम लोग उत्साह वर्धन करें जी। अच्छा, आपको कभी रोकने की कोशिश करते हैं कि आप भी क्यों जा रहे हो, आप भी रुको, आप भी हमारे साथ हैं? हमें कोई नहीं रोकता, अगर रुकेगा भी तो मानेंगे भी। क्या उम्मीद करते हैं आप इस युवा टीम से कि हमारे समाज के लिए युवा टीम आगे चल के आपको क्या लगता है कि क्या ये आपका जो सपना एक तैरता हुआ आंखों में वो पूरा कर पाएगी? ऐसा संगठन हमने तो पहले कभी नहीं देखा, ना अपने समाज में ना दूसरे समाज में, खुद कार्य करते हैं, सब समाज से करते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। गिरिराज जी और विवेक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दो युवा हैं और काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं समाज के लिए, काम कर रहे हैं। देखो गिरिराज जी तो टीम और गिरिराज जी खुद बड़े उत्साही है, खूब काम कर रहे हैं और उनकी टीम ऐसी है कि गिरिराज जी को सम्मान तो सब गिरिराज जी और विवेक जी करेंगे। अरे विवेक जी उनके साथी है जो ये हमें एक रूप दिखाई देता है। अच्छा, मैं ये एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इसमें उमेश शर्मा जी हैं, विकास शर्मा जी हैं और भी मैं कई लोगों के नाम शायद अभी नहीं जानता हूँ, ये बहुत सारे लोग हैं जो युवा टीम को बनने से पहले बनाने का प्रयास कर रहे थे। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बनने से पहले बनाने का प्रयास कर रहे थे, जमीनी स्तर पर लगे हुए थे, धरती पकड़ पहलवान की तरह ये कार्य कर रहे थे और जिस तरीके से युवा टीम की जीत हुई है, आज युवा टीम ने अपने एक समाज के लिए जमीन भी मतलब ले ली है,
आगे चल के उस पर समाज का जो भवन है वो भी निर्माण होगा, तो आपको क्या लग रहा है कि पूरी युवा जो टीम है हर एक आदमी कितना इम्पोर्टेंट है और उन सबके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस युवा टीम में सभी लोग उत्साही, सभी काम कर रहे हैं, इसमें रामचंद्र शर्मा का भी बहुत हाथ है। अगर बोलना होते तो कई कमियां रहती हैं। एक शख्स सबको उत्साहित करते रहते हैं। एक शख्स जो अभी यहाँ पर नहीं है और मुझे याद है कि शायद मुझसे युवा कार्यकारिणी बनने से पहले मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे कहा था कि अपने चैनल से सहयोग करें, अशोक शर्मा जी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? शर्मा जी का भी होना जरूरी थी आज। शर्मा जी बड़े उत्साही और कार्यकर्ता है, अच्छा बोलती है और हम लोगों को उत्साहित करती रहती है। चलते चलते एक कविता आपसे मैं सुनना चाहूंगा जो युवा टीम के लिए हो। हम तो ये कह रहे जिंदगी अपनी अच्छी तरह से मस्त होकर जियो। एक छोटी सी कोई कविता है, लोगों की मान्यता है, लोगों की मानता है कि जीवन एक कला है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, पानी का बुलबुला है। लोगों की मानता है कि जीवन एक कला है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, पानी का बुलबुला है। और मेरी मानो दूर खूब खुश रहो, खेलो, खाओ, मस्त रहो, क्योंकि जीवन एक चुटकला है। तो ये भगवत शर्मा जी और अशोक शर्मा जी के कविता इन्होंने कही है, निश्चित तौर पर युवाओं के तो काम आएगी आएगी, साथ में मेरे जो युवा टीम के अध्यक्ष हैं गिरिराज शर्मा वो भी मौजूद हैं और इस उपलक्ष में हम उनसे भी बात करते हैं। गिरिराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज एक कॉम्बिनेशन देखने को मिला है युवाओं के साथ में बुजुर्गों का। हमारे साथ हम ये कहना चाहेंगे ये बुजुर्ग नहीं है, क्योंकि ये हम युवाओं में भी सबसे बड़े युवा है, क्योंकि आज 84 प्लस में ये रहते हुए और हम सबके साथ अगर इस ऊर्जा के साथ बैठे हैं, हम सबका उत्साह वर्धन कर रहे हैं, तो ये मुझे वृद्ध कहीं से नहीं दिखाई देते। मुझे लगता है इनसे बड़ा युवा शायद इस समाज के अंदर कोई और होगा। बहुत अच्छी बात है और ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते हम, 9 वर्ष है, 9 वर्ष के माहौल में सभी लोग खुश हैं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो अच्छा ही लगेगा, इसलिए विवेक जी से मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। विवेक जी, कानूनी दृष्टि से हम देखते हैं कि समाज में कई लोग जब पिछड़ जाते हैं तो कानून उनको सहारा बनता है। आप कानून से इसलिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि कुछ चीजें हमारे समाज के अंदर जो हैं वो आप देखते होंगे कि कमी के रूप में, तो उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं? विसंगति चूंकि चाहू और आज है, उस विसंगतियों को दूर करने के लिए हमारी युवा टीम तैयार हुई है। कहीं ना कहीं हमारा एक मंडल जो है हमारा उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। उस मंडल को पूरा ना करने के लिए हम एक हनुमान जी जैसे सीता जी को लेने के लिए हनुमान जी जब गए थे इसी तरह हम बड़ी टीम के लिए हनुमान जी की तरह है। कहीं ना कहीं उस टीम को पूरा करने के लिए हमारी ये टीम तैयार है। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? जरूर, हम सब तैयार हैं। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? पतंग जी, आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। और हम सब तैयार हैं। युवा कार्यकर्ता, ब्राह्मण समाज और आज की खबरों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए RBS न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद।